बीजेपी के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जब से दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर केस दर्ज किया है, तब से ब्रजभूषण शरण सिंह रोज एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। इस बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है और उन्हें कई किस्म की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हम क्या बताएं? कमजोर आदमी है यार, बैठने दीजिए। अभी पूंजीपति पड़े हैं पीछे, पता लगे कल कोई और भी पड़ जाए। पूंजीपति पड़े हैं, मरवा देना चाहते हैं, जिंदा नहीं देखना चाहते। सच है, मैं बताऊं, धमकी मिली है, रोज मिल रही है। ब्रजभूषण ने आगे ये भी दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हालांकि ये सिर्फ ब्रजभूषण का एक रुख नहीं है, बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी तक से बातचीत में खुद भी एक किस्म से धमकी देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि उनके लोग काफी आहत है, एक इशारा कर दें तो जंतर मंतर पर भीड़ ही भीड़ हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, मेरा यहाँ बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है, केवल मैं ही नहीं मुकदमा नहीं लिखा सकता हूँ, मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। आप एक्ट जाकर के देख लीजिए, कानून जाकर के देख लिए, कानून कहता है कि मेरी जगह पर मेरा समर्थक भी जाकर के मुकदमा लिखा सकता है क्योंकि वो आहत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं, हमने कहा नहीं, उनको करने दो जो करना है। आज एक आवाहन कर दूं, एक आवाहन कर दूं, इतनी पीड़ा है मेरे लोगों में, और केवल यूपी में नहीं, देश में लोगों को इतनी पीड़ा है कि शायद इतनी भीड़ कभी जंतर मंतर पहुंची नहीं होगी जितना पहुंच जाएगी, इतनी पीड़ा है लोगों को। अरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जब दाग लगा दे, बेदाग क्या होता है, दाग क्या ऐसे रहेगा, ज्यों की त्यों दे दीनी चुनरिया, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी है, ऐसे सफेद सफेद रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के नामी गिरामी पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 7 महिला पहलवानों के शोषण के मामले में उनको गिरफ्तार किया जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद के पद से इस्तीफा दे। इसके अलावा खिलाड़ी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने परिवार को भर रखा है। वही ब्रजभूषण दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। एक परिवार के लोग, हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और व्यापारी मिलकर ये सब कर रहे हैं। रिपोर्ट यूपी तक।